हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द एनसीईआरटी एग्जांपल्स जो कि रिलेटेड है मिरर से रिलेटेड, एंड ये न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सो स्टूडेंट्स, हियर वी यू सिंपली यूज द मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v is the image distance and u is the object distance. As you all know that these distances are being measured from pole of the mirror and f is the focal length. तो हमें यहाँ पर u भी दे के रखा है स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो दैट ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के फ्रंट में रहते हैं। सो यहाँ पर जो u का वैल्यू है वो है -10 cm। साइन कन्वेंशन में हम साथ में लगाएंगे। और कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है बाई कन्वेंशन वी टेक इट एज पॉजिटिव, सो इट इज सिंपली +15 cm। हमें यहाँ पर सॉल्व करना है u स्टूडेंट्स। सो वी सिंपली पुट इनटू द इक्वेशन 1/v प्लस 1/u की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे -10 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ दैट इज +15। सो वी सिंपली राइट इट एज 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ये उधर जाके प्लस का हो गया। सो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। सो इट इज़ 15 2 30 एंड 10 3 30, सो इट इज़ लाइक 5/30। सो स्टूडेंट्स, 1/v का वैल्यू आ गया 5/30। सो यहाँ से हम रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका। सो v का वैल्यू आ जाएगा 30/5, सो इट इज़ सिंपली 6। तो हमारे पास v का जो आंसर आया वो है +6। इट मीन्स दैट जो हमारी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, बिकॉज प्लस साइन इज देयर, इट इज़ बिहाइंड द मिरर एंड उससे 6 cm के डिस्टेंस पर बनी है। ये हमारी इमेज की पोजीशन है। और स्टूडेंट्स, ये बिहाइंड द मिरर बनी है, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वर्चुअल एंड अ इरेक्ट इमेज। ये एक इरेक्ट इमेज है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ये है हमारे पास v इज इक्वल टू +6 देयर एंड इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट इमेज। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम देयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। सो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? +1 लिखा गया है। प्लस मैग्नीफिकेशन मीन इट इज अ इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज रहेगा तो हमारा मैग्नीफिकेशन रहेगा पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज। तो m+1 का मतलब है इट इज अ इरेक्ट एंड अ वर्चुअल इमेज। अब 1 का मतलब क्या है? जो नंबर है उसका मतलब है कि ये जो इमेज साइज है इट इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर है। और या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर वी यू के बराबर है। मीन्स इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ये इसका मतलब है। सो आई होप आप जानते होंगे मैग्नीफिकेशन का मतलब। मैग्नीफिकेशन के साइन से हम पता लगाते हैं नेचर और वैल्यू से पता लगाते हैं साइज के बारे में। हियर m इज सिंपली इक्वल टू 1, इट मींस दैट इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज बराबर है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है। प्लस मींस इट इज अ इरेक्ट एंड अ वर्चुअल इमेज। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। देयर 14 प्रॉब्लम भी मिरर से रिलेटेड है और इस 14 प्रॉब्लम में जो है वो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। सो हियर वी हैव अ ऑब्जेक्ट 5 cm। ऑब्जेक्ट 5 cm, जस्ट आई हैव टू चेक दिस कि ये ऑब्जेक्ट 5 cm है। ओके, इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm, सो इट मीन्स दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट साइज इसे बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट 5 cm, यहाँ होना था ऑब्जेक्ट ऑफ 5 cm। चलो ये जो भी है इट इज़ यहाँ से क्लियर हो गया स्टेटमेंट से, बिकॉज आगे लिखा गया इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पर यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 एंड ऑब्जेक्ट साइज HO लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, दैट इज 5 cm। इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30 cm। वी नो दैट फोकल लेंथ इसका हाफ रहता है मिरर के केस में, सो फोकल लेंथ आ जाएगा 15 cm। मिरर कॉन्वेक्स है सो बाई कन्वेंशन वी टेक इट एज पॉजिटिव। u is -20, HO हमें दिया है, फाइंड द पोजीशन। सो सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो इट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v हमें निकालना है। u का वैल्यू दे के रखा है प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 cm इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ऑब्वियसली u इज नेगेटिव, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, सो -20 u है इज इक्वल टू स्टूडेंट्स फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो दे के रखा है
15, focal length is 15, convex mirror है, so then we'll simply solve this, so I have to create some space there, so it is 1 upon V is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 20, so इसे हम थोड़ा solve कर लेंगे, 15-20 का LCM जो है स्टूडेंट्स हो जाएगा 60, 15 4 जा, 20 3 जा, so it is like 1 upon V, So, यहाँ से हमारे पास जो V है उसकी वैल्यू आ जाएगी 60/7. तो ये जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स ये आ रहा है पॉजिटिव में. सो V इज 60/7 देयर. सो यू कैन डिवाइड दैट, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं. सो दिस इज द पोजीशन. और वी नो दैट ऑब्वियसली जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं इन ऑल द केसेस देयर. सो इसलिए V का साइन भी पॉजिटिव है. एंड नेचर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, V पॉजिटिव है. सो बिहाइंड द मिरर है, वी ऑल नो दैट. सो इट इज इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है. साथ में हमसे यहाँ पर जो है वो साइज भी पूछा जा रहा है कि आपको इमेज का साइज बताना है. तो स्टूडेंट्स साइज के लिए आप यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. सो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट भी स्टूडेंट्स वी भी है, यू भी है, एच आई आप आसानी से निकाल सकते हैं. एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन था 5. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसे हम प्लस 5 लेंगे. एंड माइनस वी का जो साइन है वो प्लस का है. सो वी स्टूडेंट्स बेसिकली 60/7 और जो यू है इमेज डिस्टेंस वो क्वेश्चन में गिवन था -20. सो विल सॉल्व दिस. सो फ्रॉम हेयर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, माइनस कट जाएंगे आपस में प्लस हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक 5 × 60/7 डिवाइडेड बाय 20. सो 0 से 0, 2, 3 is 6 देयर. 15/7 समथिंग आपके पास आएगा. सो आप सॉल्व करेंगे सो आंसर आ जाएगा समथिंग 2.2 सेंटीमीटर समथिंग. सो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो 5 था और अपना इमेज का 2.2 सेंटीमीटर है. छोटी इमेज बनी है. ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में आपकी इमेज जो है वो छोटी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी. सो दीज आर द आंसर्स for this problem. So let's now move to another problem, that is 15th problem. So now students, 15th problem kya hai? 15th problem bhi mirror se related hai, but now mirror jo hai wo concave hai. I will simply read this. Object size, object ka height ho de ke rakha hai 7 cm, ise hum plus ka lenge. Principal axis ke upar rahega students, like that. अगर आपको साइन कन्वेंशन भी नहीं पता, सो इस तरह से लाइक ये हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है. दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी. लेट सपोज सो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है. प्रिंसिपल एक्सिस के जो साइन कन्वेंशन है अबव वाले वो पॉजिटिव है. अबव हम पॉजिटिव लेंगे. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लियर टू अस. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर. सो इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, इस तरह से कुछ रेज जाएंगी. आप यहाँ पोल से मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो देखने का डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रेज के अपोजिट है. सो यू टेक यू एज नेगेटिव. तो इसलिए हम यू को नेगेटिव लेंगे. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो यू होता है. सो इट इज़ -27. और मिरर का जो फोकल लेंथ है वो दे के रखा है 18. कॉन्केव मिरर है, बाई कन्वेंशन इसकी फोकल लेंथ को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं. सो -18 मैंने लिख दिया पहले ही. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प एंड फोकस्ड इमेज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली हमारी एक रियल इमेज बनेगी. रियल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं. तो इमेज वहीं कैप्चर होगी जहाँ पर इमेज की पोजीशन होगी. तो हम स्क्रीन को भी वहीं रखेंगे जहाँ इमेज हमारी बनेगी, यानी कि जहाँ हमारा V बनेगा, जो V होगा वही हमारा स्क्रीन का पोजीशन होगा. सो सबसे पहले हम V निकाल लेते हैं. सो इट इज़ 1/V + 1/U = 1/F. V हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट कि जिसको आप फाइंड आउट करते हैं उसका साइन आप कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वो अपने आप आंसर में आएगा. भले ही आपको ये पता हो कि इमेज फ्रंट में बन रही है या मीन्स बिहाइंड मिरर बन रही है, बट स्टिल आप उसे पुट नहीं करेंगे. आप उसे ही पुट करेंगे जो आपको पता है. लाइक यहाँ पर u हमें गिवन है, दैट इज -27 एंड इट इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -18. सो देन वी विल सॉल्व दिस. सो इट इज़ लाइक 1/V इज इक्वल टू -1/18 और माइनस वहाँ जाके प्लस 1/27 हो जाएगा. हम थोड़ा केयरफुली काम करेंगे फ्रेंड्स. मैं यहाँ पर सपोज माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ. सो इट इज़ लाइक 1/18 एंड माइनस कॉमन लिया है मैंने 1/27 देयर. सो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास 1/V का वैल्यू आ जाएगा.
इट इज़ लाइक माइनस 18 और 27 का एलसीएम जो है स्टूडेंट्स वो आएगा आपके पास 54, 18 लाइक 18 टू ज़ा 36 एंड आई थिंक 18 थ्री ज़ा 54, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 देयर एंड 27 दो 54, तो यहाँ से हम 2 आ जाएगा हमारे पास, सो इट इज़ लाइक माइनस 1 अपॉन 54। तो फ्रेंड्स यहाँ से v की वैल्यू आ गई माइनस 54, तो देखिए अपने आप साइन जो आया है माइनस 54, सो इट मीन्स दैट इमेज मिरर के फ्रंट में बनी है लेकिन माइनस 54 सेंटीमीटर दूर बना है पोल से। सो ये हमें यहीं पर स्क्रीन को प्लेस करना है, माइनस 54 पे ही मिरर के फ्रंट में स्क्रीन को प्लेस करना है। ये हमारा v है, फ्रेंड्स v का साइन नेगेटिव है, ये भी हमें क्लियर बता रहा है कि दिस इज़ अ रियल इमेज, ये एक रियल इमेज है और एक इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन और क्या पूछा गया है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज भी पूछा गया है। अगेन हम मैग्नीफिकेशन राइट करेंगे, इट इज माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वी ये फॉर्मूले में माइनस है स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट ऑल्सो। वी का वैल्यू हमें मिला है माइनस 54, वी का साइन हमने यूज कर लिया, यू था माइनस 27, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 + 7 सेंटीमीटर, सो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक ही माइनस बच रहा है वहाँ पर, 27 × 54, सो इट इज़ लाइक माइनस 2 × 7, सो इट इज़ 14, सो इट इज़ माइनस 14, सो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 14 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, इट इज़ 14 सेंटीमीटर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिरर्स एंड आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आए हैं। थैंक यू वेरी मच।